हल्का बादली से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय कबलाना आज नामांकन भर रहे हैं। जी हां, इस समय हम मौजूद हैं संजय कबलाना के आवास पर और आप हमारे पीछे ये जो भारी भीड़ देख रहे हैं, यह जननायक जनता पार्टी के समर्थकों की भीड़ है। हरी और पीली पगड़ी का यह संगम आपको नजर आ रहा है, जहाँ भारी संख्या में बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, किस तरह का माहौल है। ताऊ राम राम। राम राम। क्या माहौल है? माहौल 3100 जीतेगा। अच्छा, कल तने बताई को ना, तू धोखा करके आ गया। मेरी कहना था कल ना करवा दू, तेरा तोड़ोड़ काम में तोड़ हो जाए और के। तो ये पगड़ी पूरी तरह बढ़िया जचेगी, फर्स्ट क्लास चलेगी। और ये चल रही भाई, खूब दौड़ेगी, खूब दौड़ेगी। हाँ, एक नंबर दौड़ेगी भाई, खूब दौड़ेगी पगड़ी। हाँ, खूब चाबी चलेगी, चाबी चलेगी। चंडीगढ़ का ताला खुलेगा, खोलेगा चंडीगढ़ का ताला भी खोलेंगे। चंडीगढ़ का ताला खुलेगा। हाँ, खुलेगा जी जी जी। और देखिए, तमाम जो समर्थक यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। काफी बड़ी संख्या में यहाँ समर्थक है। राम राम जी। राम राम जी। धोती कुर्ता पगड़ी नहीं है, पगड़ी अभी बांध रहे हैं, दो मिनट में क्या रहेगा। चाबी चलेगी, चाबी चलेगी, ताला जब खुलेगा, जब चाबी लग लेगी। चंडीगढ़, चंडीगढ़ विधानसभा का, विधानसभा में जो है दुष्यंत चौटाला सीएम होगा और संजय जो है कबलाना जी जो है विधायक होंगे। विधायक होंगे। हाँ जी, क्या कहना है, क्या कहना है साहब? हाँ साहब, क्या लगता है, चाबी चलेगी? चाबी चलेगी, चलेगी। हाँ जी, बादली हल्के में। हाँ जी, चलेगी, चलेगी, चलेगी जी, तोड़ेगी, तोड़ेगी। हाँ जी, हाथी पंजा फूल आ गया रास्ते में तो सब फैल है जी, फैल है। हाँ जी, चाबी तोड़ेगी, चाबी चंडीगढ़ की तजूरी भी खोलेगी, खोलेगी। हाँ भाई, संजय को भी फल कर देंगे जी, पंजा ने फल कर देंगे, कर देंगे। हाँ जी जी जी। सर क्या हाल है? बढ़िया जी। क्या माहौल रहेगा? बहुत अच्छा माहौल है जी, बहुत अच्छा। अच्छा, संजय जी तो बड़े बड़े हैं, काफी भारी मतों से जीतेंगे। चाबी चल पड़ी? हाँ जी, बिल्कुल जी जी जी। और देखिए, तमाम समर्थक यहाँ मौजूद हैं जी। ताऊ राम राम। राम राम जी। क्या रहेगा चाबी का? चाबी बहुत बढ़िया खुलेगी, खुलेगी, कत्ती पहुँचेगी चंडीगढ़, कत्ती चंडीगढ़ ताला खोल देगी, खूब बढ़िया बढ़िया लाएगी। हाँ जाएगा जी। हाँ, और देखिए, तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद है। हल्का बादली के आपको नजर आ रहे हैं, नामांकन के लिए उमड़ रही भारी भीड़। जी हाँ, कुछ और लोगों से भी बात करना पसंद करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। आप कहते भाई साहब, भाई साहब ने जो कही भाई, एक ही एम है हमारा। हाँ, सब सब मिल जुल के एक ही एम है हमारा, 8-10 आदमी हम एक ही गांव के साथ। अच्छा। हाँ जी, जो बुजुर्ग जो नौजवान साथी यहाँ जेजेपी के संजय भाई के उसमें आए हैं, वो सच्चा सिपाही है। जोड़ने की कोशिश करेंगे हम, तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, आपको ये नजर आ रहा है भारी संख्या में जो जन सैलाब, मैं कहूंगा उमड़ रहा है यहाँ जननायक जनता पार्टी के समर्थकों का। जी, बड़ी भारी भीड़ है और अभी अभी यहाँ हवन यज्ञ कर नामांकन की तैयारियां की जा रही हैं। आपको नजर आ रही है ये भारी भीड़ जो हल्का बादली से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय कबलाना के समर्थन में यहाँ पहुंची है। जी हाँ, तमाम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ ही देर में नामांकन, जी हाँ, नामांकन की प्रक्रिया है। यहाँ बीन का नजारा आप देख सकते हैं, ढोल के साथ बीन का नजारा यहाँ है। जी हाँ, तमाम जितने भी साथी यहाँ जुड़े हैं, जी बात करना चाहेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। जी हाँ, तमाम जो साथी हैं जननायक जनता पार्टी के लोग यहाँ पहुंचे हैं और देखिए किस तरह का माहौल यहाँ आपको नजर आ रहा है। और हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अजय गुलिया जी। आइए इनसे भी जानते हैं। अजय जी, क्या कहोगे, क्या माहौल है, आपको क्या लगता है इस बार बादली में क्या होने वाला है? संजय भाई, देखिए, जननायक जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके टिकट दिया है और हमारी तो एक ही सोच है, दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। संजय भाई को टिकट दिया, मेहनती साथी है, मजबूत साथी है, बादली विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आएंगे। किस पार्टी से मुकाबला मानते हैं? देखिए, हमेशा मुकाबला सत्ता पक्ष से होता है और ओम प्रकाश धनखड़ ने तो काम कराया नहीं यहाँ पे, कोई कोई 5 काम ओम प्रकाश धनखड़ गिना के बता दो। कॉलेज की कहते हैं वो मंदिर में चल रहा है, थाना दान दीव धर्मशाला में चल रहा है और तहसील जिसकी वो बात करते हैं पुराने कॉलेज में चल रही है, बनाया कुछ नहीं। ओम प्रकाश धनखड़ ने तो स्वयं अपना विकास कराया। जी हाँ, प्रवक्ता प्रवक्ता पहुंच चुके हैं, कमान संभाल ली है चुनाव प्रचार की, अजय गुलिया पहुंच चुके हैं। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा चाबी का?
तब भी खूब जीतेगी, खूब जीतेगी। जी हाँ, और देखिए तमाम जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, जी हाँ ये 60-60, 70-70 साल के बुजुर्ग हैं जिन्होंने हरी और पीली पगड़ी अपने सर पर बांधी हुई है। तो राम राम। राम राम। क्या करवाओगे इस बार बादली हल्के में? बादली हल्के में संजय, संजय हाँ चंडीगढ़ पहुँचेगा, पहुँचेगा चाबी लेके। हाँ, खोल सके ताला चंडीगढ़ विधानसभा का चाबी? संजय, संजय हाँ संजय बोलेगा खूब बिल्कुल ठोक के बनाएंगे, चंडीगढ़ भी पहुंचेंगे। जी हाँ, धर्मेंद्र जी हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। धर्मेंद्र भाई, क्या लगता है आपको तमाम जो हलके की परिस्थितियां हैं, क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो आपका वंदन अभिनंदन यहाँ पहुँचने पर। और आज जो तमाम हलका, हलका ही नहीं अपितु समस्त जिला जजर यहाँ पहुँचे है, हमारे लाडले भाई संजय कपलाना का नामांकन जो हम दाखिल करने जा रहे हैं, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवा साथियों का उत्साह देखकर आज हम ये दावा कर सकते हैं, यह आपको विश्वास दिला सकते हैं कि आने वाला समय जेजेबी का है। और हम उम्मीद करेंगे हमारे यहाँ से हम 100% मान के चलिए कि हम सीट को निकाल के माननीय आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की झोली में डालेंगे। जी हाँ, 100% का दावा किया जा रहा है, 100% सीट का जीत का दावा किया जा रहा है। हाँ जी, संजय कबलाना, संजय कबलाना। हाँ, तो लगा है ठीक है जी, पहुंचेगी बाजी पार, कति पार, अभी पहुंचेगी चंडीगढ़। हाँ, पहुंचेगी, पहुंचेगी जी, पहुंचेगी, पहुंचेगी, पहुंचेगी। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बार है। क्या लगता है बादली में इस बार? इस बार संजय कबलाना जीता है बादली से। अच्छा जी। हाँ, कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है। तो क्या लगता है बादली में क्या होगा? बादली में संजय जीतेगा, जीतेगा। हाँ, चाबी पहुँचेगी चंडीगढ़, कोती पहुँचेगी। हाँ जी जी जी। मनोज पंचाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करना चाहेंगे। मनोज पंचाल जी, जी मनोज जी क्या कहेंगे? भाई साहब, सबसे पहले तो कबलाना उस पर आपका स्वागत है, धन्यवाद आपको, पहले नमस्कार जी। और ये जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है ये इस चीज का प्रतीक है कि हमारी चाबी चंडीगढ़ में जाके खजाने का ताला खोलेगी और बादली हलके का विकास करेगी, बादली के बेरोजगार को रोजगार देगी। जी हाँ, चाबी चंडीगढ़ पहुंचेगी, ताला खुलेगा बादली हलके का। ये तो आप खुद ही बताए होगे, हिसाब लगाओ, जनसैलाब उबड़ा हुआ है, इसे देखो आप, ये ताला तो खुल गया, बादली हलके की जनता ने चाबी लगा दी ताले के, खुल चुका है ये तो भाई। जी हाँ, ताला खुल चुका है और आप देख सकते हैं ये नजारा, जहाँ इस समय बड़ी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। जी हाँ, यह जो नज़ारा आपको नजर आ रहा है, ये जो तमाम लोग यहाँ पर हैं, जी हाँ, संजय कबलाना के समर्थक नजर आ रहे हैं। जी जी, और जिला अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ जजपा के, राकेश जाखड़ जी। राकेश जी, आज आप नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है जिला झज्जर में इस बार कैसा प्रभाव रहेगा आपकी पार्टी का? संजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप जमीनी स्तर पर हम जिस तरीके से मेहनत करते हैं, संजय कबलाना जी जिस तरीके से मेहनत करते हैं, हमारे दुष्यंत चौटाला जी जमीनी स्तर पर जो मेहनत करते हैं, आप सबसे एक अलग तरीके से मेहनत करते हो। और आपने आज ये अपनी आंखों से जो माहौल देख रहे हो, जो उत्साह लोगों में है, तो मेरे जो झज्जर जिले की बात करता हूँ, झज्जर जिले में चारों सीटें जीतने का काम करेंगे। और मैं संजय कबलाना जी को एक और आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, और एक ही बात है कि जब संजय कबलाना यहाँ से विधायक बनेंगे तो हमारे जो सीएम होंगे दुष्यंत चौटाला जी, उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठने का काम करेंगे, ना कि खाली एमएलए होंगे। जी हाँ, और केवल देखिए, संजय कबलाना जब विधानसभा में पहुंचेंगे, जी हाँ, दावा किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर लोगों का आना जाना भी जारी है। और देखिए, लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो बातचीत की जा रही है, लगातार कार्यकर्ताओं का जोश में उत्साह है। जी हाँ, सीधे जुड़ेंगे भाई संजय कबलाना जी से, जुड़ना चाहेंगे, बात करेंगे। जी हाँ, ये जो भारी भीड़ आपको नजर आ रही है, जी हाँ जी, संजय भाई एक बार फिर से यहाँ समस्त बादली हलके के गांव-गांव से और घर घर से, हर गली से लोग यहाँ पहुंचे हैं, बड़ी भारी संख्या में बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हैं। कहा जाता है कि दुष्यंत चौटाला युवाओं की पार्टी है, लेकिन यहाँ बुजुर्गों की तादाद देख करके लगता है कि जननायक जनता पार्टी का पूरा हुजूम उमड़ पड़ा है। क्या तैयारियां हैं? संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज इस बादली क्षेत्र की जनता का बेटा और भाई, जिसको
डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने अपना आशीर्वाद दे करके, दुष्यंत चौटाला जी ने अपना प्यार दे करके और इस बादली क्षेत्र की जनता को मेरे को सौंप करके, मेरे को टिकट दे करके इस बादली क्षेत्र की इसका सम्मान रखने का काम अगर किसी ने किया तो आज ने डॉक्टर सिंह अजय चौटाला जी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने किया। और जिस तरह का जन सैलाब, आप पत्रकार साथी हैं मेरे से ज़्यादा जानते हो, जिस तरह का जन सैलाब आज यहाँ नॉमिनेशन से पहले उमड़ रहा है, मैं कहता हूँ कि जनता ने मन बना लिया है 21 तारीख को जो वोटिंग होगी, बादली क्षेत्र की जनता अपना आशीर्वाद और अपना प्यार दे करके अपने बेटे और अपने भाई को विजयी करने का काम करेगी और चंडीगढ़ में भेज करके आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम ये जनता करेगी। और पहली प्रदेश में ऐसी सीट होगी जो दिल्ली का लगता हुआ गुड़गांव का लगती हुई सीट सबसे पहले अगर जीत होगी तो इन लोगों के आशीर्वाद से, इन बुजुर्गों के आशीर्वाद और प्यार से बादली क्षेत्र की विधानसभा जीत होगी। जी क्या कहेंगे, कितनी तैयारियां हैं? बादली हलवाई जनता ने ये जीत की निश्चित कर ली है, भाई संजय कबलाना चुनाव जीत रहे हैं और इसमें सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान है बादली हलके का। संजय जी क्या मानते हैं, आपको किस पार्टी से मुकाबला रहेगा? देखिए संजय जी, मैं मुकाबला किसका कहूँ किसका ना कहूँ, भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है उसका अच्छी तरह जनता जान चुकी है। 5 सालों मंत्री रहे, कृषि मंत्री जी रहे, जिस तरीके हालात इस क्षेत्र में रहे सभी जनता पूरी तरह जानती है, उसको नकार चुकी है। जो आज कांग्रेस का प्रत्याशी है वो प्रत्याशी 5 साल में मात्र 2 महीने के लिए विधानसभा में आता है और हल्के में आता है बादली क्षेत्र में मात्र 5 साल में 2 महीने, और ये कहता है कि मैं पैसे के बलबूते पे इस क्षेत्र को खरीद करके मैं जीतने का काम करूंगा। मैं कहता हूं सब प्रत्याशी बादली क्षेत्र में, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी, लोगों ने एक मन बना लिया, अब की बार अपने बेटे अपने भाई को संजय कबलाना का आशीर्वाद दे करके जिताने का काम करेंगे। जी हाँ, और देखिए जनता के बीच में रह करके काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में आना पड़ेगा, वही प्रत्याशी विधानसभा का सफर तय करेगा अब। जी हाँ, और जिस तरह से यहाँ पर हमने बातचीत की है, लोगों का रुझान जो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर जो काफी संख्या में बुजुर्ग पहुंचे हैं, जी हाँ बुजुर्गों से हम बात करेंगे। जी साहब नमस्कार। और ठीक हो जी? बढ़िया जी। क्या रहेगा इस बार बादली में? जीतेगा संजय, जीतेगा, लग जाएगी चाबी। हाँ, ठिकाने पे बिल्कुल, अलीगढ़ अड़ाका है जी, अलीगढ़ अड़ाका चाबी लगेगी। हाँ जी, लगेगी चाबी, चाबी चंडीगढ़ तक लगेगी, चंडीगढ़ तक। हाँ जी, पहुँच जाएगी, ताला खुल जाएगा। खुल गया, समझ लो। हाँ तो के को आपका बहुत तजर्बा है, इस बार चाबी खोल देगी ताला? खुल गया घड़ा, खुल गया कति जी। और देखिए लगातार यहाँ जो समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ नामांकन की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कल अंतिम दिन है नामांकन का और तमाम जो पार्टियाँ हैं वो आज नामांकन के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं और अपने साथ काफिला लेकर के जो नामांकन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।